नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द बिहार टॉप पे। मैं आपके साथ हूं रत्नेश पांडे। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजधानी पटना में समीर महासेठ बिहार सरकार में मंत्री हैं, उद्योग मंत्री। उनके कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आज सुबह से ये कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि कई ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और छापेमारी जो है वो लगातार कर रही है। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, हमारे सहयोगी नीतीश सिंह ने भेजी ये तस्वीरें। आप देखिए किस तरीके से ईडी की टीम उनके कई ठिकानों पर पहुंची हुई है और जो है वो छापेमारी लगातार चल रही है। आरजेडी कोटे से नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं समीर महासेठ, उद्योग मंत्री, और उनके ठिकानों पर सुबह से छापेमारी जो है वो चल रही है। आपको बता दें कि इसके पहले में भी आरजेडी के कई मंत्री के ऊपर में, साथ ही साथ एमएलसी रहे, एमएलसी हैं सुनील सिंह, उनके आवास पे भी पिछले महीने हमने आपको तस्वीरें वहां से दिखाई थी कि वहां से छापेमारी जो है वो चली थी। और अब उद्योग मंत्री, बिहार सरकार में उद्योग मंत्री समीर महासेठ के ऊपर में ईडी की कार्रवाई जो है वो चल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई ठिकानों पर ईडी की रेड जो है वो पड़ रही है। समीर महासेठ के पटना आवास सहित कंस्ट्रक्शन कंपनी पर छापेमारी की गई है। समीर महासेठ आरजेडी कोटे से नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी हैं। इनका पुराना व्यवसायिक काम भी रहा है। इनके पिता भी विधायक थे। समीर महासेठ एमएलसी भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि समीर महासेठ के जिन जगहों पर छापेमारी चली उनमें बोरिंग रोड में समीर महासेठ का घर है, आर ब्लॉक में आम्रपाली कैफे स्थित ऑफिस है, कैफे वाली कैंपस में ही साकार कंस्ट्रक्शन, इसमें समीर महासेठ का साला पार्टनर है। तो समीर महासेठ जो बिहार सरकार के उद्योग मंत्री हैं उनके आवास पर कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पाटलिपुत्रा स्थित गोसाई टोला में उनके आवास पे भी चली है। आर ब्लॉक में सोन भवन स्थित कार्यालय में भी छापेमारी चली। यहीं पर समीर महासेठ का ऑफिस है। इनकम टैक्स की टीम को छापेमारी में क्या कुछ मिला है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन कार्रवाई जो है वो चल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ईडी की टीम पहुंची। हालांकि ईडी की टीम से जब पूछा गया तो किसी ने कुछ भी बताने से इनकार किया है, कुछ भी बताने से मना किया है, लेकिन आज सुबह सुबह पटना में एक बड़ी छापेमारी, जिसको कह सकते हैं आरजेडी कोटे से नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं समीर महासेठ, उनके कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। इसके पहले में भी राज्यसभा सांसद रहे अशफाक करीम, उनके आवास पे भी आरजेडी के वो सांसद है राज्यसभा के, उनके आवास पे भी कई जगहों पर छापेमारी चली। एमएलसी आरजेडी के हैं सुनील सिंह, उनके कई ठिकानों पर छापेमारी चली। हालांकि क्या कुछ मिला इसकी जानकारी किसी को नहीं मिली। और अब आरजेडी कोटे से नीतीश कैबिनेट में मंत्री समीर महासेठ के यहाँ छापेमारी चली है। क्या कुछ मिलेगा, जो भी जानकारी होगी हमारे सहयोगी लगातार आपको अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द बिहार टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।